नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRV स्टडी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि COP VCRS साइकिल की क्या होती है, VCRS साइकिल कैसे वर्क करती है और VCRS साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। अब हम इस पार्ट में बात करेंगे कि VCRS साइकिल की COP कैसे कैलकुलेट की जाती है और उस पर किस प्रकार से बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं VCRS साइकिल की COP कितनी होती है। तो COP का एक बेसिक सा फार्मूला हमें पता है। COP हमारा होता क्या है दोस्तों, आप लोग जान चुके हैं। COP हमारा होता है डिजायर्ड इफेक्ट, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें COP VCRS साइकिल की निकालने के लिए, तो COP डिजायर इफेक्ट हमारा क्या चाहते हैं हम VCRS साइकिल में, कि हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिले। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा इस केस में दोस्तों, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और वर्क क्या देते हैं हम लोग दोस्तों, कंप्रेसर में वर्क देते हैं, तभी हमारा जो हमारी स्टीम आती है उसको कंप्रेस करता है, प्रेशर बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, जिसकी हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो वर्क इनपुट हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, कंप्रेशन वर्क। फिर दोस्तों, इस फॉर्म में तो आपसे VCRS साइकिल की COP पूछी जा सकती है, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए COP निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, उसको देखें दोस्तों। अगर आप ध्यान से TS डायग्राम को देखें तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपको पता चलेगा यहाँ से क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा क्या होता है। अगर एंथैल्पी के टर्म में बात करेंगे, एंथैल्पी एक फॉर्म है, हाईएस्ट फॉर्म है ऊर्जा का कार्य का, तो एंथैल्पी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से H1 हमारा ज़्यादा है, अगर इसको H4 माने, इसको H1, H2, H3, तो H1 हमारा ज़्यादा है H4 से, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा किसके किसके बीच में है, H1 और H4 के बीच में, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, H1 माइनस H4। अब दोस्तों, अगर हम कंप्रेशन वर्क की बात करें तो कंप्रेशन वर्क हमारा 2 से 1 के बीच में है और 2 हमारा ज़्यादा है 1 से, तो यहाँ पर कंप्रेशन वर्क हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, H2 माइनस H1। फिर अगर हम लोग दोस्त बात करें हीट रिजेक्शन की, तो हीट रिजेक्शन हमारा कंडेंसर में होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर होता है, तो हीट रिजेक्शन के लिए हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, H2 माइनस H3। तो हम बात करें हमारे COP VCRS साइकिल की क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ से, तो जो हमारी VCRS साइकिल की COP हो जाएगी वो हो जाएगी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोले तो H1 माइनस H4 डिवाइड बाई कंप्रेशन वर्क हमारा कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1। तो दोस्तों, ये हमारी निकल करके आ गई COP VCRS साइकिल की। अब दोस्तों, इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे ये आपके ALP वाले ध्यान रखें कि ये एज इट इज आपके एग्जाम में पूछी जानी है, और ये भी इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग बात करें दोस्तों सवाल इस पे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस पे। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, फॉर ए सिंपल VCRS साइकिल, एक सिंपल हमारी कोई VCRS साइकिल है, उसमें एंथैल्पी सक्शन पे, सक्शन हम लोग दोस्तों कहाँ से स्टार्ट करते हैं, H1 हमने सक्शन को क्या नाम दिया था, फिगर में आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। H1 हमारा क्या हो जाएगा, 1600 किलो जूल पर kg। हमने देखा था कि हम यही सक्शन स्टार्ट करते हैं, सक्शन के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर से डिस्चार्ज करते हैं टू पॉइंट पे। तो यहाँ पर अगला लाइन क्या दे रखा है, एंथैल्पी एट डिस्चार्ज फ्रॉम द कंप्रेसर, जो कंप्रेसर से एंथैल्पी निकल रही है वो हमारी कितनी है, 1800 किलो जूल पर kg, और कंप्रेसर से कितनी एंथैल्पी निकल रही है दोस्तों, H2। तो H2 हमको मिलेगा कितना दोस्तों, 1800 किलो जूल पर kg। अब दोस्तों, अगर हम बात करें अगली लाइन क्या दे रखी है, एंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर के एग्जिट पे जो एंथैल्पी मिल रही है H3, वो हमारी कितनी है, 600 किलो जूल पर kg। तो हमसे पूछ रखा है एक COP क्या होगी, इस रेफ्रिजरेंट के लिए COP क्या होगी, इस साइकिल के लिए COP क्या होगी। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा, हम उस फार्मूले का यूज करते हैं। COP VCRS साइकिल की जो हमारी होगी वो दोस्तों हमारी क्या होगी, H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। अब हम देखें, अगर हमें H3 पता है लेकिन H4 नहीं पता है दोस्तों, ये हमारी जो यहाँ पर हमने लाइन खींची थी कांस्टेंट एंथैल्पी की, वो हमने देखा था कि ये इरिवर्सिबल होने का डैश 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 हुई,
लेकिन आप जानते हैं H3 हमारा H4 के इक्विवेलेंट बराबर होता है, तो हम यहाँ पर H3 बराबर H4 भी लिख सकते हैं VCRS केस में, तो हमको सब टर्म पता चल गए और हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं COP। तो 1600 माइनस H4 हमारा कितना हो गया दोस्तों 600 डिवाइडेड बाई H2 हमारा कितना हो गया 1800 माइनस H1 कितना हो गया 1600। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 200। तो COP कितनी निकल करके आ गई दोस्तों VCRS की COP कितनी निकल करके आ गई 5। तो इतने बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, खासकर UP SSSC JEE RRB JEE और SSC JEE वाले इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लें। ALP में थोड़ा सा हाई लेवल आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ये हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब आपको लैंग्वेज हिंदी मिलेगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, और जिनको COP VCRS साइकिल की नहीं याद होगी वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अगला सवाल कैसा बन सकता है VCRS साइकिल पे। तो देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा आपके दोस्तों, आपसे पूछा है कि VCRS प्लांट रेफ्रिजरेटिंग लीव्स द इवेपोरेटर एट 135 किलो जूल पर KG एंड कंडेंसर एट 65 किलो जूल पर KG फॉर 1 KG पर सेकेंड द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना होगा, एक VCRS प्लांट है उसमें जो हमारा इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट लीव कर रहा है वो 135 किलो जूल पर KG की दर से लीव कर रहा है, और कंडेंसर से 65 किलो जूल पर KG की दर से लीव कर रहा है। तो पूछ रहा है एक अगर प्रति सेकंड 1 KG हमारा निकले तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कितना होगा। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट नहीं दोस्तों, यहाँ कैपेसिटी पूछी है, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी। अब बात करते हैं हम लोगों ने देखा कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा क्या होता है, अभी हम लोगों ने पिछले फिगर में देखा था रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा क्या होता है दोस्तों H1 माइनस H4, मतलब जो हमारा यहाँ से निकल रहा है स्टार्टिंग से रेफ्रिजरेटर इवेपोरेटर को लीव कर रहा है और जो हमारा कंडेंसर को लीव कर रहा है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कुछ इस प्रकार से H1 माइनस H4। H1 कितना गिवेन है दोस्तों हम लोगों को, H1 गिवेन है 135, और H4 कितना गिवेन है दोस्तों, H4 हम लोगों को गिवेन है 65। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 550 70। ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 70 किलो जूल पर KG। हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी की बात कर रहा, तो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी मतलब उस प्लांट में कितना रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी है, क्षमता कितनी है उस प्लांट की। तो हमारा ये निकल करके आ गया रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इनटू कितने समय के लिए कह रहा है, कितना टाइम लगाना चाह रहा है ये, 1 KG पर सेकंड को ठंडा कराना चाह रहा है ये, तो हमारा केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 70 किलो जूल पर सेकंड। किलो जूल पर सेकंड आप जानते हैं वाट होता है, तो किलो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोवाट। मतलब उस प्लांट की कैपेसिटी है 70 किलोवाट। मतलब अब आपको क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ एक बार फिर से कि 70 किलोवाट उस प्लांट की कैपेसिटी है जो प्रति सेकंड 1 KG रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर सकता है अगर उसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारी जो इवेपोरेटर से एंथैल्पी निकल रही है वो 135 हो और कंडेंसर जो एंथैल्पी निकल रही है वो हमारी कितनी हो दोस्तों 65 हो। तो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना आ गया 70 किलो जूल पर KG। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब हो गया कि इतना आपको इतना केजी एनर्जी इतना दे करके आपको ठंडा करना है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपको इतना देना है 70 किलो जूल पर KG। अगर केजी को हम एक मान लें, 1 KG मतलब 1 किलोग्राम में आपको 1 किलो जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, 70 के लिए 70 किलो जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। हम लोग दोस्तों बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी होती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दोस्तों अभी हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे ताकि आप केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, फिर 23 तारीख के बाद हम लोग लाइव आएंगे और आपको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ाया जाएगा क्या कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे निकलती है एफिशिएंसी। तो अभी आप फिलहाल ध्यान रख लीजिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की वो हमारी होती है 1+C - C कंडेंसर प्रेशर डिवाइडेड बाई इवेपोरेटर प्रेशर की पावर 1/N। अब यहाँ पर ये टर्म यूज किए गए हैं ये क्या क्या होते हैं इसको आप ध्यान दे दीजिए, जो इसमें दोस्तों हमारा N होता है ये हमारा होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। जो दोस्तों हमारा ये PC है ये कंडेंसर प्रेशर, और दोस्तों जो हमारा PE है
ये इवेपोरेटर प्रेशर है, ये हमारा क्या है दोस्तों, इवेपोरेटर प्रेशर। और जो हमारा सी है ये हमारा दोस्तों है क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस रेशियो जिसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से। और ये होता क्या है, वी सी अपान वी एस। वी एस क्या होता है दोस्तों, स्विफ्ट वॉल्यूम, ये आपको आईसी इंजन में डिटेल में बताया जाएगा। और सी क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो VCRS साइकिल थी वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। हमने VCRS साइकिल के बारे में समझा, VCRS साइकिल कैसे वर्क करती है उसको देखा, VCRS साइकिल में कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसको देखा, VCRS साइकिल की COP देखी, और VCRS साइकिल में हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट ऐड होते हैं उनको देखा, और VCRS साइकिल पे कैसे क्वेश्चन आएंगे उनको देखा। अब उससे एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं, जो हमने VCRS साइकिल में कंपोनेंट देखे उनकी हम थोड़ी डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि वो किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से बनेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसीवर की। रिसीवर क्या क्या काम करता है हमारे साइकिल्स में, बात कर लेते हैं। रिसीवर लगता कहाँ है पहले, सबसे पहले तो रिसीवर जो लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, वो हमारा किया जाता है कंडेंसर और थ्रोटल वाल्व के बीच में, कंडेंसर एंड थ्रोटल वाल्व। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था SCJ में पिछले साल, और ALP में भी इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि कंडेंसर काम क्या होता है, तो कंडेंसर काम अच्छी तरह से आप जान चुके हैं। हम लोग दोस्तों बात करते हैं कैपिलरी ट्यूब की। कैपिलरी ट्यूब या इसी को एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं, ये भी हमने समझ लिया है। कैपिलरी ट्यूब किस लिए लगती है, कैपिलरी ट्यूब हमारी लगती है रिड्यूस करने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर को। हमने देखा था कि जब हमारी वाष्प कंडेंसर से निकल करके आ रही थी तो कैपिलरी ट्यूब में जा रही थी, और वो इसको एक्सपेंड कर दे रही थी, और फिर इवेपोरेटर में हमारा दोस्तों क्या पहुंच रहा था, वाटर और वेपर का मिक्सचर। और ये लगती कहां पर है, ये इंस्टॉल कहां पर होती है, ये इंस्टॉल की जाती है किसके किसके बीच में, आप लोग जानते हैं ना, बताइए, कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में। ये हमने फिगर के माध्यम से देखा था। अच्छा, इसके बाद दोस्तों ये और क्या करता है, ये कहाँ पर यूज होती है कैपिलरी ट्यूब, हमारे जो फ्रिज होती है ना दोस्तों, फ्रिज के पीछे कुछ इस प्रकार से खड़ी खड़ी ट्यूबें लगी रहती हैं कुछ इस प्रकार से, वही हमारी दोस्तों कैपिलरी ट्यूब होती हैं। तो ये यूज़ की जाती हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज होते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा है फ्लैश चैम्बर, फ्लैश चैम्बर। ये इंस्ट्रूमेंट आप याद करके जाइए, क्योंकि पूछेगा आपसे एग्जाम में कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं। तो फ्लैश चैम्बर हमारा यूज होता है, फ्लैश चैम्बर इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन फॉर इफेक्टिव इंटरकूलिंग, आंतरिक प्रशीतन के लिए, इंटरकूलिंग के लिए मीडियम, आंतरिक प्रशीतक माध्यम प्रोवाइड करने के लिए हमारा फ्लैश चैम्बर यूज होता है। और इसका दूसरा काम क्या होता है, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है, एंड पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग COP। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग इसलिए प्लांट में लगाते हैं ताकि वो हमारे COP को इंक्रीज कर दे। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, फ्लैश चैम्बर। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की, जो बहुत सी छोटी सी बात है उसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं बात को क्लियर करके। VCRS साइकिल में ही एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो कि हमारा मेंशन किया गया है CVT2 में, ALP के ट्रेड RAC में, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज़ क्यों होती है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज होती है गैस के, जो हमारी गैसें होती हैं उनको लिक्विफाइड करने के लिए, लिक्विफिकेशन के लिए यूज होती है,
लिक्विफिकेशन के लिए। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये क्वेश्चन आपका बने, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में आए। और जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है हमारी, इसकी जो सीओपी होती है दोस्तों, इसकी जो सीओपी होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। सीओपी इसकी क्या होती है दोस्तों, बहुत ही कम होती है। अब हम लोग दोस्तों बात करें अगर कि हमारी कॉर्नोट साइकिल में और जो हमारी तमाम प्रकार की साइकिल्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर आप सीख लीजिए, आज एक चीज़ और नई चीज़ सीखिए। कॉर्नोट साइकिल दोस्तों हमारी हाइपोथेटिकल साइकिल है, मतलब ऐसी साइकिल जिसको बनाना पॉसिबल नहीं है। हाइपोथेटिकल मतलब भ्रमिक, थेटिकल साइकिल है। और यही एक ऐसी साइकिल है जो हमारी रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है। इसके अलावा कोई भी साइकिल, जितनी भी साइकिल आपकी हैं एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, सभी हमारी कैसी साइकिल होती हैं, ऑल साइकिल्स, केवल कार्नोट को छोड़कर, एक्सेप्ट कार्नोट, सभी हमारी कैसी साइकिल होती हैं, इरिवर्सिबल साइकिल होती हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले सेशन में हम आपके साथ मिलेंगे वीआरएस साइकिल के साथ। वीआरएस साइकिल क्या होती है, वीआरएस साइकिल से पहले हम समझेंगे कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम या मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, और जो हमारा ALPCVT 2 के सिलेबस में मेंशन है वही टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं। और दोस्तों हम आपको जल्दी से वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि हमारे पेपर में आने की संभावना है, और आपको हम एक 300 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेट देंगे जिसमें से कि आपके 50 प्लस क्वेश्चन फंसने की पूरी तरह से उम्मीद होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि हम आपके लिए पूरी जी जान से लगे रहें। नमस्कार दोस्तों।